नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश के एटा से। यहां एक युवक ने अपने नपुंसक होने की बात छिपाकर युवती से शादी कर ली। सुहागरात पर खुलासा हुआ तो महिला के अरमान चूर चूर हो गए हैं। उसने परिजनों को इसकी जानकारी दी। यही नहीं, उसने बताया था कि वह बैंक में नौकरी करता है, यह भी बात झूठी निकली। अब आरोपी पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला मिरहची थाना क्षेत्र का है। यहाँ की रहने वाली महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत के आदेश पर उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। उसने शिकायती पत्र में कहा कि 11 जून 2022 को बुलंदशहर जिले के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ उसकी शादी हुई। शादी में ससुराल वालों ने 6 लाख रुपए नकद, 4 लाख रुपए का सामान दिया, लेकिन जब वह ससुराल पहुंची तो सुहागरात के समय पति के नपुंसक होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद उसने माँ को फोन करके पति के बारे में बताया। दूसरे दिन ही पिता व अन्य रिश्तेदार ससुराल पहुंच गए और पंचायत की। पति के परिजन ने कहा कि हम इलाज कराएंगे, मामला सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद पति का इलाज भी चला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह भी आरोप है कि शादी से पहले युवक का बैंक में नौकरी करना बताया गया था। बाद में जानकारी हुई कि वह प्राइवेट नौकरी करता है। आरोप है कि 2 महीने बाद परिजन के साथ गई और पति से मिली, लेकिन उसकी बीमारी में कोई फायदा नहीं था। तब हम लोगों ने धोखाधड़ी से शादी करने की बात कहते हुए दहेज लौटाने के लिए कहा, लेकिन ससुराल वालों ने दहेज का सामान व रकम नहीं वापस की और धमकी दी। उसके बाद महिला थाने पर गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। इसके बाद अदालत की शरण ली है और अब दोस्तों पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।